हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और छत्तीसगढ़ी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं सुनसुनिया भाजी के खेत में। देखिए कितनी सारी सुनसुनिया भाजी यहां पर है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि सुनसुनिया भाजी कैसे पानी में डूबी रहती है और इसकी जड़ें कैसी होती हैं और इसका रंग कैसा होता है, लेकिन ये बड़ा होने के बाद कैसा दिखने लगता है। और फुल मस्ती और इन्जॉय करेंगे। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और ये लोग जो यहाँ पर तोड़ रहे हैं सुनसुनिया भाजी, ये इसे बेचने के लिए तोड़ रहे हैं, बाजार में लाकर ले जाकर बेचेंगे। कितनी मेहनत से सुनसुनिया भाजी को तोड़ करके ये लोग बेचा करते हैं, तो इसको बड़ी मेहनत से उगाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे उगाते हैं। ये है सुनसुनिया भाजी का एक सुंदर सा प्यारा सा खेत, जिसे देखने से ही मन प्रसन्न हो उठता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी साफ सुथरी जगह है ये। यहाँ पर की भाजी कितनी साफ सुथरी है, कोई कीड़े मकोड़े यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो जब तक बारिश नहीं हुई है तब तक की ये भाजी बहुत अच्छी रहती है, पानी में डूबी रहती है। एक एक भाजी इस तरीके से तोड़ना पड़ता है और कैसे भी करके इसे तोड़ सकते हैं। हसिया में इसे लूते भी हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तोड़ना होता है तो। अब देखिए कि इसमें धूप पड़ रही है तो इसका सुंदर कलर कैसा है, लेकिन जब ये छोटी छोटी रहती हैं, नन्ही नन्ही सी रहती हैं, तब ये भूरे कलर की होती हैं। जी हाँ, भूरे कलर की होती हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो भाजी है ये अभी छोटे छोटे हैं और इसके नीचे में जड़ होता है। आप देख सकते हैं कि ये जड़ है इसका, नीचे का साइड इसका कलर डार्क है जड़ वाले साइड में, और ये सब पानी में बड़ा होते रहता है। हम इसको खून रहे हैं, कुचल रहे हैं, फिर भी ये अच्छे से उभर के आ जाएंगी निकल के। फिर से ऐसे तोड़ सकते हैं इसको और बार बार निकलती रहती है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भाजी है। इसको मसूर की दाल के साथ बनाकर खाना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जब इस भाजी को पकाते हैं तो इसकी डंडी सामान्य तौर पे इतनी लंबी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबे रखने से रेसा रेसा लगता है, तो जब पकाते हैं तो इतना ही रखें। अगर बाजार में आपको लंबा लंबा डंडी का मिलता है तो उसको छोटा कर लें। और ये सुनसुनिया भाजी तो इतनी अच्छी है कि इसको साफ करना, ज्यादा साफ करना नहीं पड़ेगा। भाजी सही में कहे के ना सुगर की भी दही से पूरा डोंगरी लगे भाजी है वहाँ बाड़ी के खतरे। तो तू भी जा।